चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्य पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद लीलामृत कथा की जय। श्री प्रभुपाद लीलामृत कथा में आगे बढ़ते हुए हमने पिछली बार चर्चा करी कैसे श्री प्रभुपाद जी, हम चर्चा कर रहे थे कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कैसे पाश्चात्य देश में क्या मिसलीडिंग थ्योरीज है और कैसे वो प्रचार करना चाहते हैं, और श्याम सुंदर प्रभु प्रभुपाद जी को लंदन में इनवाइट कर रहे हैं, आमंत्रण कर रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रीचिंग का अपॉर्चुनिटी है। तो इसी संदर्भ में आगे चलते हुए देखते हैं, प्रभुपाद जी लंदन आ चुके हैं और 7 जुलाई 1973 की बात है। उस दिन रथ यात्रा थी, वहाँ पे एक भक्त हैं परविध प्रभु, वो अब स्मरण करते हैं कि जब प्रभुपाद को उन्होंने देखा मंदिर में आते हुए, प्रभुपाद को देख के कोई भी कह सकता था कि वो उस समय उनका स्वास्थ्य बहुत कमज़ोर है। परविध प्रभु बोलते हैं वो सच में बिल्कुल अमेज्ड हो गए थे कि कैसे प्रभुपाद जी ऑल द वे लंदन आए। जरूर उनका जो स्वास्थ्य, उनका जो शक्ति है वो आध्यात्मिक स्तर से उत्पन्न हो रहा है। ऐसे ही लंदन में एक भक्त ध्रुवनाथ प्रभु, वो बताते हैं कि जहाँ पे रथ यात्रा होने वाली थी वहाँ पे वो वेट कर रहे थे प्रभुपाद जी को रिसीव करने के लिए मार्बल आर्च नामक जगह पे, जहाँ से प्रोसेशन शुरू होना वाला था। और व्यास आसन जो था प्रभुपाद जी का बहुत अच्छे से सजाया गया था और सब लोग ऐसी आशा रख रहे थे कि प्रभुपाद जी आएंगे और जो रथ के ऊपर व्यास आसन रखा गया है उसके ऊपर विराजमान हो जाएंगे और उसके बाद रथ पे बैठ के ही रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे वो बाकी रथ यात्रा में किया करते थे। लेकिन उस दिन तो हम ऐसे हक्के बक्के रह गए, ऐसे आश्चर्यचकित रह गए और आनंद भी बहुत हुआ कि जब प्रभुपाद जी आए और उन्होंने व्यासासन पे बैठने तो मना कर दिया, उन्होंने बोला कि वो जो प्रोसेशन है उसमें भाग लेंगे और स्वयं नृत्य भी करेंगे भगवान जगन्नाथ की प्रसन्नता के लिए। तो सब भक्त बड़े आश्चर्यचकित, क्योंकि उस समय प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य भी बहुत कमजोर था। योगेश्वर प्रभु स्मरण करते हैं कि वो सीढ़ी का भी प्रबंध किए थे जिससे प्रभुपाद जी रथ के ऊपर चढ़ पाएंगे और व्यास आसन पे बैठ पाएंगे। एक्चुअली वो सीढ़ी लेके ही आ रहे थे जब प्रभुपाद जी ने इशारा किया इसे वापिस ले जाओ, और प्रभुपाद जी बोले मैं रथ के साथ चल के जाऊंगा सब भक्तों के आगे नृत्य करते हुए। और एक भक्त हैं धीर शांत प्रभु, वो बताते हैं कि उनका तो एंकल, धीर शांत प्रभु का एंकल ट्विस्ट हो गया था, वो चल नहीं पा रहे थे, इसलिए वो तो रथ पे जाके बैठ गए थे। लेकिन रथ के ऊपर बैठे हुए प्रभुपाद जी को क्लियर देख पा रहे थे, वो देख पा रहे थे कि कैसे रेवती नंदन महाराज काट पे रथ पे बैठे हुए माइक्रोफोन में कीर्तन गा रहे थे। लेकिन 15 मिनट के बाद, जब प्रोसेशन 15 मिनट चला, प्रभुपाद ने भक्तों को बोला कि जाओ रेवती नंदन महाराज और बाकियों को बोलो नीचे आए और कीर्तन जो लीड कर रहे हैं हमेशा रथ के सामने आके सब भक्तों के बीच में आके कीर्तन लीड कीजिए और नृत्य करिए। रेवती नंदन महाराज स्मरण करते हैं, जब प्रभुपाद ने अपना व्यास आसन रथ के ऊपर रखा, देखा प्रभुपाद जी बोले अरे मैं तो एक साधारण डिवोटी हूँ, मैं प्रोसेशन में, मैं एक भक्त हूँ, वो रथ भगवान के लिए है, मैं भक्त हूँ, मैं प्रोसेशन में सबके साथ जाऊँगा। और वो कीर्तन ऐसा उत्साहमय कीर्तन हुआ, कुछ समय हमसा दूत प्रभु ने कीर्तन लीड किया, कुछ समय रेवती नंदन महाराज ने, कुछ समय श्याम सुंदर प्रभु ने, और अलग अलग भक्त कीर्तन लीड कर रहे थे। बहुत ही फैंटास्टिक कीर्तन चल रहा था और प्रभुपाद जी उस कीर्तन के बीच में करताल बजाते हुए पूरा समय आगे पीछे कभी कभी जंपिंग अप एंड डाउन कीर्तन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। रोहिणी नंदन प्रभु बोलते हैं कि काट जो था बहुत स्लो चल रहा था और प्रभुपाद हमेशा उत्साह में नाचते हुए काट के 20-30 yards आगे चले जाते और कीर्तन जो था वो रथ यात्रा में माइक्रोफोन लगे थे वहां से कीर्तन की आवाज आ रही थी।
और प्रभुपाद ने सबको नीचे बुलाया, सबको नीचे बुलाया एंड सब लोग हरे कृष्णा कर रहे थे। और बार बार प्रभुपाद जी आगे आते नृत्य करते हुए, फिर मुड़ते, फिर दोनों हाथ ऊपर करते, पूरा बहुत ही रॉयली ऐसा दिखता। प्रभुपाद जी दोनों हाथ ऊपर करके बोल रहे हैं जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। और कभी कभी वो कुछ ज्यादा ही आगे चले जाते, फिर उनको रुकना पड़ता रथ के आने के लिए। और जब रुकते तो नृत्य करते और दोनों हाथ ऊपर करके भगवान का नाम पुकारते। शारदीय दासी जो हैं वो बोलती हैं प्रभुपाद, तो माता जी बोलती हैं कि प्रभुपाद वो डांस, और कुछ फीट आगे जाने के बाद वो पीछे मुड़ते और भगवान की तरफ देखते। और उन्होंने भी बड़ा डिस्टिंक्टली नोट किया कैसे प्रभुपाद जी दोनों भुजाएं उठाए, ऐसे बहुत दिव्य पर्सनैलिटी दिख रहे थे भगवान को पुकारते हुए, अ प्योर डिवोटी। कुछ समय के लिए वो डांस करते, भगवान पे ध्यान लगाते, देन ही वुड टर्न अराउंड एंड गो ऑन। इस प्रकार से पूरा समय वो नृत्य किए। कभी कभी प्रभुपाद जी बीच में नृत्य करते और भक्त लोग आसपास एक सर्कल बना लेते ताकि उनको क्राउड से बचा सकें। वो बोलती हैं इट वॉज लाइक अ वेरी स्पेशल वंडरफुल ट्रांसेंडेंटल अफेयर। तो इस प्रकार से उनका कहना है इट वॉज अ वेरी ट्रांसेंडेंटल अफेयर। और दूसरे एक हैं सुदुर्जय, उनका कहना है कि प्रभुपाद ने पूरी तरह से हमको सरप्राइज कर दिया, हमको समझ ही नहीं रहा था ये बीमार है क्या। हमने सुना था देखा था कि बहुत बीमार है, हमको समझ नहीं रहा था उस समय इनको कमजोरी फील हो रही है नहीं हो रही है, उनका चक्कर नहीं आ जाए कहीं, बहुत कमजोर थे। कभी कभी तो बहुत बीमार दिख रहे थे लेकिन कभी कभी उत्साह किस उत्साह से नाचते तो ऐसा लग रहा था ही इज लाइक अ यूथ 18 ईयर्स ओल्ड बॉय। पूरी तरह से हमको सरप्राइज कर दिया। हाथ में उनकी लाठी थी लेकिन उस लाठी को भी उन्होंने हाथ में उठाते हुए नृत्य कर रहे थे। और कुछ समय बाद श्याम सुंदर प्रभु आए और बोले सुदुर्जय को, मुझे नहीं लगता कि ये पूरी रथ यात्रा चल पाएंगे कि बीमार तो बहुत हैं, आप ऐसा करिए एक कार लेके पीछे पीछे आइए और रथ के 30 सेकंड्स की दूरी के अंदर ही रहिए, तो कभी भी प्रभुपाद जी को कार में बिठाना पड़ेगा। प्रभुपाद जी पार्क लेन में कीर्तन कर रहे हैं और समय समय पे इतना फास्ट प्रभुपाद जी जा रहे हैं कि कार काट जो रथ यात्रा जो है वो इतना फास्ट उनके साथ नहीं आ पा रही। सेवरल टाइम्स ही वुड टर्न बैक रेज हिज हैंड्स एंड से हरी बोल और इतना फास्ट जा रहे थे, कभी कभी उनको वेट करना पड़ रहा था। तो श्याम सुंदर प्रभु ने ये सब बताया कि इस प्रकार से चल रहा है और जिस गति से प्रभुपाद जी चल रहे हैं पता नहीं बीच में उनको कार की जरूरत ना पड़ जाए, तो प्लीज कीप इट रेडी। ध्रुवनाथ प्रभु, उनका कहना है कि प्रभुपाद जी के कीर्तन को देख के जितने वहां से निकलने वाले लोग थे वो तो अपनी जगह पे अड़े के अड़े रह जाते, मतलब वो प्रभुपाद को देखते के देखते रह जाते, सोचते इस उम्र का व्यक्ति ऐसा नृत्य कर सकता है, ऐसे जंप कर सकता है जैसे एक यंग बॉय, बहुत अमेजिंग साइट था। एंड एवरी 5 मिनट्स और भक्त साइड दे जाते, साइड हो जाते ताकि बिल्कुल साइड क्लियर हो जाए, प्रभुपाद जी जगन्नाथ जी को बड़े आसानी से देख पाए, परफेक्ट व्यू ऑफ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। अच्छा कुछ समय बाद क्या होने लगा, पुलिस आने लगी और उन्होंने बोला कि इस प्रकार से आप बार बार रुक नहीं सकते, आपको चलना है चलना है। तो पुलिस बोल रही है थोड़ा जल्दी चलो सब ट्रैफिक में, सब ट्रैफिक तो नहीं जो भी लोगों में मतलब क्राउड में प्रॉब्लम आ रही है क्राउड कंट्रोल में, लेकिन प्रभुपाद का ऐसा दिव्य आनंद चल रहा है। कुछ भक्त तो इतने भावुक हो गए, रो रहे थे जब कीर्तन में कार रहे थे नृत्य कर रहे थे, ऐसा कमोशन सा हो गया। श्रुत कीर्ति प्रभु बताते हैं कि जब इस प्रकार से पुलिस इत्यादि आ रही थी, पुलिस ने बोला अरे स्वामी जी को कंट्रोल करो, क्योंकि स्वामी जी इतने आनंद में हैं, उनके आनंद को देख के जो रेगुलर क्राउड है वो भी पूरा भाव विभोर हो रहा है, क्राउड को कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो रहा है, अगर वो बैठ जाएंगे तो क्राउड भी कंट्रोल हो जाएगा, सब कुछ वाइल्ड हो रहा है। लेकिन श्रुत कीर्ति बोले प्रभुपा जी को कैसे बोले, वो तो चाहते थे प्रभुपा जी और आनंद ले, तो वो कुछ बोल नहीं रहे थे, पुलिस बार बार आ रहा था। तो इसके बाद जब बार बार आए पुलिस ने बोला आप उनको बोलिए सब, फिर श्रुत कीर्ति बोले ठीक है मैं बोलने का प्रयास करता हूँ। प्रभुपा जी ऐसा एक्सटेसी में थे और सबको ऐसा एनकरेज कर रहे थे, अपने हाथ से एनकरेज कर रहे थे, फेस्टिवल का मोमेंटम चलते रहना चाहिए। तो मैंने प्रभुपाद जी के शोल्डर पे थोड़ा सा टैप किया, बोला
प्रभुपाद जी पुलिसमैन बोल रहे हैं कि आप बैठ जाइए। वो बोल रहे हैं आपको देख के पूरा क्राउड ऐसा भाव विभोर हो रहा है कि कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। प्रभुपाद ने श्वेतकीर्ति प्रभु की तरफ देखा और मानो एक्सटेसी में ध्यान ही नहीं दिया और प्रभुपाद जी कैरिड ऑन डांसिंग, ऐसे लगा बिल्कुल इग्नोर कर दिया, केप्ट ऑन डांसिंग। ये दिव्य स्तर पे चल रहा है जहाँ जगतनाथ हैं और उनके शुद्ध भक्त प्रभुपाद हैं। देखिए हम लोग ऐसे एक्शंस को इमिटेट नहीं कर सकते, लेकिन समझना चाहिए यहाँ एक बहुत विशेष आध्यात्मिक शक्ति पूरे सिस्टम को चला रही है। इसलिए प्रभुपाद कुड अफोर्ड टू इग्नोर इट, क्योंकि उनको मालूम था जगन्नाथ जी कंट्रोल में है, कुछ समस्या नहीं आएगी। लेकिन हम लोग को इमिटेट भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमारा भक्ति उस स्तर पे है या नहीं है। तो अगर उस स्तर पे नहीं है तो नेचुरली वी शुड नो कि हम लोग क्या हैं। प्रभुपाद वुडंट स्टॉप, और पुलिस ने जब देखा प्रभुपाद जी एक्सेसी हैं, पुलिस भी कुछ समय में चुप हो जाते, पुलिस भी ज़्यादा कुछ बोलते नहीं, और पुलिस भी उनको डायरेक्ट कहने को डर रहे थे, उनको दिख रहा था ये कोई विशेष शक्ति है। पर विधा प्रभु बोलते हैं कि वो बैक टू गॉड हेड मैगजीन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, और जब वो बैक टू गॉड हेड मैगजीन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, पूरा जो परेड चल रहा है उस समय उनका बैक टू गॉड हेड मैगजीन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बोले मैं थक गया था और मेरे को बहुत कठिनाई हो रही थी। परमविद प्रभु बोलते हैं प्रोसेशन के साथ साथ लगातार चलने के लिए, बट प्रभुपाद कॉन्टिन्यूसली लगे हुए थे यंग बॉय की तरह, स्पिरिचुअल एनर्जी। ध्रुवनाथ प्रभु बोलते हैं कि जब वो पिकेडली सर्कस के यहाँ पे आए, प्रभुपाद सडनली उन्होंने पूरा प्रोसेशन रोक दिया, और पिकेडली सर्कस पूर्ण रूप से लोगों से पैक्ड थी, इतना क्राउड था। 3 मिनट्स तक प्रभुपाद ने प्रोसेशन को रोक दिया और वहां पे डांस्ड एंड डांस्ड एंड डांस्ड विद ऑल द डिवोटीज। रोहिणी नंदन बोलते हैं जब वो पिकेडेली सर्कस पे आए, प्रभुपाद रियली वांट स्टार्टेड टू डांस। रोहिणी नंदन प्रभु का भी स्मरण पिकेडेली सर्कस का एक बड़ा स्पेशल है, बोले उस वेन्यू पे आने के बाद प्रभुपाद का डांस एक अलग लेवल पे चला गया, कार्ट रोक दिया गया और बिल्कुल ऐसा लग रहा था चैतन्य चरितामृत में जैसे चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा को लीड करते थे। कार्ट वॉज स्टॉप एंड प्रभुपाद वुड वेट फॉर इट टू कैच अप। योगेश्वर प्रभु बोलते हैं कि जब रथ बनाए थे, प्रभुपाद ने दोनों हाथ ऊपर किए और ऐसा नृत्य किया, एक्चुअली लगभग 1 घंटा हो गया था जब वो कॉन्टिन्यूस चल रहे थे और नृत्य कर रहे थे ट्रफेलगर स्क्वायर पार्क तक। तो वो भी एक बड़ी आश्चर्य की बात थी, इतना लंबा समय लगातार नृत्य कर रहे। रोहिणी नंदन प्रभु बोलते हैं जब प्रभुपाद ट्रेफेलगर स्क्वायर पे आए, इमीडिएटली वो नेल्सन कॉलम के प्लिंथ पे छोटा सा व्यास आसन रखा गया था, वहां पे जाके बैठ गए, और उसके बाद वहां पे विश्राम करने के बाद उन्होंने लेक्चर देना शुरू किया, होली नेम हरि नाम, भगवान श्री कृष्ण के हरि नाम के बारे में बताना शुरू किया, और कुछ ज्यादा विश्राम नहीं किया उन्होंने, फटाफट लेक्चर शुरू किया। इतना बड़ा चैंटिंग और डांसिंग का मैराथन के बाद ऐसा उत्साहमय लेक्चर, अगले दिन के न्यूज़पेपर्स में ऐसा फेवरेबल न्यूज कवरेज था फेस्टिवल का। प्रभुपाद ने उस न्यूज कवरेज के बारे में एक पत्र में लॉस एंजलिस के शिष्य को लिखते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं कि यू विल बी वेरी ग्लैड टू नो, आपको बड़ी खुशी होगी कि लंदन का रथ यात्रा फेस्टिवल बहुत सक्सेसफुल रहा। वहां पे एक न्यूज़पेपर डेली गार्डियन, उसमें पिक्चर था फ्रंट पेज पे जगन्नाथ के रथ का, और उस पे लिखा था कि हमारा रथ जो है नेल्सन कॉलम ट्रेफेलगर स्क्वायर के नेल्सन कॉलम की हाइट को भी कॉम्पिटिशन दे रहा है। फिर प्रभुपाद जी ने लिखा मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, मैं डेली वॉक्स ले रहा हूँ और मॉर्निंग में क्लास भी दे रहा हूँ। दूसरे लेटर में प्रभुपाद ने अपनी भावनाएं व्यक्त करी और बोलते हैं हमारा फेस्टिवल बहुत ही अच्छे से रिसीव किया गया और मेरे को इतना एनकरेजमेंट मिला दैट आई वॉज एबल टू वॉक एंड डांस द एंटायर वे। हाइड पार्क से ट्रफेलगर स्क्वायर तक मैं लगातार चलता हुआ गया। भक्तों ने बहुत प्रोमिनेंट ब्रिटिश सिटीजन्स को बुलाया था प्रभुपाद से मिलने के लिए और उसका भी रिस्पांस बहुत अच्छा हुआ। एक इकोनॉमिस्ट थे एंस्ट सम ऐसा कुछ नाम था ब्रिटिश में, उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो आएंगे, और साथ ही साथ एक फिलोसोफर थे सर एल्फ्रेड एयर, उनको भी बुलाया। वेब श्याम सुंदर प्रभु ने प्रभुपाद जी को इन्फॉर्म किया कि मिस्टर एयर
AYER, एल्फ्रेड ईयर, वो बहुत ही वेल नोन है प्रभुपाद ने, ठीक है, मिलेंगे उनसे जरूर। उनका फिलॉसफी क्या है, लेकिन वो क्या तत्व क्या है, उनका सिद्धांत क्या है, प्रभुपाद जी ने प्रश्न किया, उसी हिसाब से तो प्रचार करेंगे, जानना चाहिए कि ये व्यक्ति कौन है। श्याम सुंदर प्रभु बोले, एक्चुअली वो भगवान पे विश्वास ही नहीं करते। प्रभुपाद जी बोले, नो प्रॉब्लम, मैं उसको एविडेंस दूंगा। आई विल आस्क हिम व्हाट ही मीन्स बाय एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। मैं उनको बताऊंगा, एक लिस्ट बताइए बताइए कि किस आधार पे वो बोल रहे हैं भगवान का एग्जिस्टेंस नहीं है। प्रभुपाद जी को फिलोसॉफिकल व्यक्तियों से मिलने में बड़ा आनंद आता था, उनसे मिलके उनको कॉर्नर किया, डिफीट किया, अपना फिलॉसफी स्थापित किया। ऐसा करने में ऐसी एक हिस्टोरियन थे आर्नोल्ड, जो इतिहास इत्यादि पढ़ते थे, बहुत बूढ़े हो चुके थे, और प्रभुपाद ने सोचा चलो उनसे मिलने जाते हैं उनके रेजिडेंस पे, क्योंकि उनको उनके लिए स्वयं आना कठिन था उनकी उम्र के कारण, उनकी एज के कारण। तो आर्नल्ड टॉयनबी, ये डॉक्टर टॉयनबी जो थे, उन्होंने प्रभुपाद जी से कर्मा के बारे में पूछा, कर्म का विज्ञान क्या है, और बोले ज्यादा से ज्यादा लोग मृत्यु से डरते हैं। प्रभुपाद एग्री हुए, यस। और प्रभुपाद ने एक एस्ट्रोलॉजर के बारे में बताया, उस एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से इंडिया का एक बहुत बड़ा लीडर एक कुत्ते के रूप में पुनर्जन्म लिया है, ऐसा उस एस्ट्रोलॉजर ने बोला था। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोले, डर तो स्वाभाविक है ना, अगले जन्म में आप इतनी प्रतिष्ठित परिस्थिति को खो देंगे, सो नेचुरली देर इज फियर। जब टॉयनबी ने पूछा क्या हम अपना कर्म बदल सकते हैं, कर्म की प्रक्रिया बदल सकते हैं, प्रभुपाद जी बोले जरूर, केवल भक्ति ही एक मार्ग है जिसके द्वारा पूर्ण रूप से कर्म की प्रक्रिया बदल सकती है। जॉर्ज हैरिसन ने प्रभुपाद जी को एक सबमिसिव मूड में अप्रोच किया, देखिए पूरा लंदन का बात हो रहा है, जॉर्ज हैरिसन जब प्रभुपाद जी के पास आए बड़े ही सबमिसिव मूड में, उनके डिसाइपल के रूप में इतना अच्छा रिश्ता बन चुका था। प्रभुपाद और जॉर्ज ने साथ में प्रसाद लिया, बहुत स्पेशल लंच था, समोसा था, हलवा था, बड़े अच्छे सब्जियां बनाई थी और पूरी इत्यादि बनाया था, और इस प्रकार से जब वो प्रसाद इंजॉय कर रहे थे, प्रभुपाद ने मेंशन किया कि कुछ प्रसाद के समय एक हास्य करते हुए प्रभुपाद बोलते हैं, वृंदावन में कुछ पांडा लोग हैं, वो बहुत ज्यादा खाते हैं, ऐसा करके प्रभुपाद ने हंसते हंसते बोला। एक और प्रभुपाद जी बोले, एक तो वहां पे जो वृंदावन का टूर गाइड देते हैं उन्होंने इतना खा लिया था कि उनकी मरने जैसी परिस्थिति हो गई थी, उन्होंने अपने पुत्र को बोला चलेगा, मेरी मृत्यु अत्यधिक खाने से हो रही है, भुखमरी से तो नहीं हो रही, भुखमरी से मृत्यु होना बड़ी अपमानित बात होती है। और प्रभुपाद जी हंसने लगे, और फिर प्रभुपाद जी हंसते हंसते जॉर्ज हैरिसन को बहुत कृतज्ञता अर्पण की है कि उन्होंने जो मैनर का डोनेशन दिया है उसके लिए। प्रभुपाद ने पूछा क्या आपने मेरा कमरा देखा है, फिर प्रभुपाद जी बोले एक्चुअली घर तो आपका है लेकिन जिस कमरे में मैं रह रहा हूं वो देखा है क्या। जॉर्ज ने प्रोटेस्ट किया, जब प्रोटेस्ट मतलब जॉर्ज ने बोला नहीं, बड़े ही हम्बल मूड में बोलते हैं, अरे ये तो भगवान कृष्ण का घर है और आपका ही कमरा है, मेरा तो कुछ नहीं है। फिर जॉर्ज ने प्रभुपाद के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करते हुए बोला कि देखिए, बड़े ही ऑनेस्टली बोला कि मैं कृष्ण भक्ति में आया हूँ, धीरे धीरे मेरे पुराने फ्रेंड्स मुझसे छूटते जा रहे हैं। प्रभुपाद ने बोला चिंता की बात ही नहीं। प्रभुपाद जी जॉर्ज हैरिसन को गीता में से पढ़ाने लगे और बोले कि देखो इस श्लोक में लिखा है, एक श्लोक दिखाया और बोले इस श्लोक से हम समझते हैं कि श्री कृष्ण को शुद्ध भक्ति से ही समझ सकते हैं। फिर जॉर्ज बोले भविष्य में इस्कॉन बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको एक अच्छी एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। प्रभुपाद जी बोले आप सही बोल रहे हैं, मैंने इस्कॉन को 12 जोन्स में डिवाइड कर दिया है, हर जोन का एक रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो अपने स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स अच्छे से फॉलो करेंगे तो भगवान कृष्ण उनकी सहायता करेंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग विषयों पे जॉर्ज हैरिसन की श्री प्रभुपाद जी से बातचीत हुई, और उसके बाद जॉर्ज हैरिसन ने श्री प्रभुपाद जी को आश्वासन दिया कि वो प्रभुपाद जी की पूर्ण सहायता करेंगे उनके मंदिरों की ग्रोथ के लिए, उनके मंदिरों को बढ़ाने के लिए। फिर प्रभुपाद जी ने कमेंट किया कि
बाद में सब उनके जाने के बाद प्रभुपाद जी अपने शिष्य को बोलते कि जॉर्ज हैरिसन अपने हृदय में भगवान से खूब प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं, बड़ी कृपा प्राप्त हुई है उनको। जॉर्ज हैरिसन के द्वारा एक दूसरे फेमस पॉप सिंगर और म्यूजिशियन डोनोवान, वो भी बड़े आकर्षित हो गए, वो मिलने के लिए आए। हरे कृष्णा मूवमेंट के लीडर हैं, उनसे मिलना जरूरी है, मिलना चाहिए, बड़े वो भी बड़े उत्साह में थे। और डोनोवान अपने म्यूजिशियन फ्रेंड के साथ आए और उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड्स भी थी, और वो आए और शांति से बैठ गए प्रभुपाद के सामने। प्रभुपाद ने फिर बोला कि वेदों में एक श्लोक है कि म्यूजिक जो है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन है, और बताने लगे कैसे म्यूजिक के द्वारा वो भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। और उनको बोले कि आपको जॉर्ज हैरिसन के के पदचिन्हों पर चलते हुए बिल्कुल अपने मित्र जॉर्ज हैरिसन की तरह आपको भी म्यूजिक को कृष्ण सेवा में लगाना चाहिए। प्रभुपाद सेड हम आपको थीम देंगे और उस थीम पे आप लोग सॉन्ग लिखिए। फिर प्रभुपाद जी बोले हर वस्तु यहाँ तक कि पैसा धन भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। डोनोवान की गर्लफ्रेंड, उसने इंटरप्ट किया, वो बोली लेकिन पैसा तो भौतिक है, धन को कैसे आप अध्यात्म में लगा सकते हैं। प्रभुपाद ने पूछा आप क्या जानती हैं कि मटेरियल क्या है और स्पिरिचुअल क्या है। तो देखिए डोनोवान बैठे थे, उनके साथ एक म्यूजिशियन फ्रेंड बैठे थे, उन दोनों की गर्लफ्रेंड्स थी वहां पे। तो उनमें से एक गर्लफ्रेंड ने, डोनोवान की गर्लफ्रेंड ने पूछा जब ये प्रश्न, तो प्रभुपाद जी ने बोला कि आप क्या जानते हैं मटेरियल और स्पिरिचुअल क्या है। वो डोनोवान की तरफ टर्न होते हुए बोले आप समझ रहे हैं। डोनोवान ने बहुत ही विनम्रता से उत्तर दिया कि देखो मेरी बुद्धि थोड़ा, आई एम वेरी थिक हेडेड, मुझे आसानी से नहीं समझता, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ ये आध्यात्मिक तत्वों को समझने की। फिर डोनोवान की गर्लफ्रेंड झुकते हुए, देखिए डोनोवान ने इतना विनम्रता से उत्तर दिया लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड झुकते उनके कान में कुछ तो फुसफुसाई, कुछ कान में बोली, और उसके बाद डोनोवान वहां से उठे और बोले कि अभी हमें जाना है, कृपया हमें इजाजत दीजिए। प्रभुपाद ने बोला अरे नहीं, आप प्रसाद तो लेके जाइए। लेकिन उनको जाना था, और जैसे ही वो निकल गए, उनके जाने के बाद प्रभुपाद जी और उनके शिष्य जोर से हंसने लगे, और प्रभुपाद जी बोले एक्चुअली शी वॉज थिंकिंग, और प्रभुपाद जी रुक गए। और उसके बाद योगेश्वर प्रभु ने प्रभुपाद जी का सेंटेंस कंप्लीट किया, और योगेश्वर प्रभु बोलते हैं शी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही थी कि अगर उनके बॉयफ्रेंड डोनोवन कृष्ण भक्ति को सीरियसली ले लिया तो शायद वो अपने बॉयफ्रेंड को खो देगी, इसलिए वो वहां से उनको ले गई। प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगता था, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट गेस्ट आते थे, अनेक प्रकार के लोग आते थे, उनको प्रीचिंग करना, जहाँ भी ट्रैवल करते थे लगातार प्रीचिंग करते रहो और कृष्ण भक्ति की जो छाप है अलग अलग स्थानों पे बनाते जाओ। और प्रभुपाद जी अपने एक शिष्य को लिखते हैं मैं जहां भी जाऊंगा ये पॉलिसी बनानी चाहिए कि जितना मौका मिल सके वहां के इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मैन जितने भी हैं उनसे मिलना है मेरे को और कृष्ण भक्ति के बारे में उनको बताना है। एक महीना मैनर में लगाए प्रभुपाद जी, लेकिन अभी भी कुछ हफ्ते बाकी थे जन्माष्टमी को और डेटी इंस्टॉलेशन को। तो भगवान प्रभु ने प्रभुपाद जी से रिक्वेस्ट किया कि आइए और पेरिस में कुछ समय बिताइए और राधा कृष्ण डीटीज का इंस्टॉलेशन करना है कि अभी कुछ समय है, जन्माष्टमी तो दूर है। तो भगवान प्रभु ने पेरिस में बुलाया, तो प्रभुपाद जी एग्री हो गए। आइए अब चलते हैं, देखते हैं पेरिस में क्या हुआ। अगस्त 9th की बात है, 1973 की बात है। लेट अस सी व्हाट हैपेंड इन व्हाट परस्यूट्स प्रभुपाद, व्हाट एक्टिविटीज, क्या लीला प्रभुपाद जी पेरिस में करते हैं। बहुत सुंदर लीला है इसकी, पेरिस की। भक्तों ने एक ऑफिशियल सिटी हॉल रिसेप्शन अरेंज किया था प्रभुपाद जी के लिए, उनका गवर्नमेंट एंटोराज आया था। श्री प्रभुपाद कहने लगे कि अगर गवर्नमेंट लीडर्स सिटीजन्स को जेन्युइन गॉड कॉन्शियसनेस नहीं सिखाएंगे देन दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल लीडर्स।
प्रभुपाद की टॉक को एज इट इज अगले दिन के पेपर में छापा गया, लेकिन उसमें न्यूज राइटर ऐसा लिखे कि स्वामी जी ने नेपोलियन बोनापार्टे को भी क्रिटिसाइज किया, इवन क्रिटिसाइज नेपोलियन। तो भगवान प्रभु बताते हैं, स्मरण करते हैं कि वो अभी अभी कुछ समय पहले ही अपना नया टेम्पल जो जिस स्थान पे पेरिस में लिया था वहां पे मूव इन हुए थे, और उनको 48 इंच के राधा कृष्ण डीटीज अभी अभी प्राप्त हुए थे। प्रभुपाद जी ने प्रद्युम्न प्रभु को बोला कि आप मंत्र जप कीजिए और स्वयं भगवान का अभिषेक कीजिए। प्रभुपाद जी अपने व्यास आसन पर बैठे डायरेक्शंस दे रहे थे कब क्या करना है, और भगवान प्रभु उनको असिस्ट कर रहे थे। एंड एट वन पॉइंट भगवान प्रभु ने देखा कि प्रभुपाद जी जो व्यास आसन पे बैठे हुए डायरेक्ट कर रहे थे, सडनली उठ के आ गए और वो बिल्कुल भगवान प्रभु के पास ही खड़े थे। उनसे सब सब जो भी सामग्री थी वो ले ली और पर्सनली श्रीमती राधा रानी के अभिषेक में संलग्न हो गए। उसके बाद जब डीटीज इंस्टॉल हो गए, प्रभुपाद जी आए, उन्होंने आरती किया और भगवान प्रभु ने उनको असिस्ट किया एक एक वस्तु दे के। जब इंस्टॉलेशन हो गया, सब प्रभुपाद जी के कमरे में गया और उनसे बहुत ही एंशियसली रिक्वेस्ट करने लगे, कृपया कुछ भगवान का नाम भी दीजिए। तो तब उस समय प्रभुपाद जी अपने कुर्सी में बैठे हुए चिंतन करते हुए बोलते हैं, भगवान का नाम होगा राधा पेरिस ईश्वर। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भारत में लोग हमेशा चिंतन करते हैं, हमें इंग्लैंड जाना है एजुकेशन के लिए और पेरिस जाना है सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। और प्रभुपाद जी हंसने लगे और बोले, कृष्ण पेरिस में आए हैं, लगता है कृष्ण पेरिस में आए हैं कुछ गोपियों को चुनने के लिए, कुछ फ्रेंच गर्ल्स को चुनने के लिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पेरिस की स्त्रियां, फ्रांस की स्त्रियां, उनके मुखड़े वो बहुत सुंदर होती हैं, फेसेस ऑफ द वुमेन इन पेरिस आर वेरी ब्यूटीफुल। तो ऐसा प्रभुपाद जी हास्य करते हुए हंसने लगे। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं, बट राधा रानी इज मोस्ट ब्यूटीफुल। प्रभुपाद जी बोले, बिल्कुल एक पेरिस गर्ल की तरह मोस्ट ब्यूटीफुल। और फिर बोले, कृष्ण यहाँ पे आए हैं यहाँ ढूंढने के लिए द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द गोपीज, इसीलिए कृष्ण को नाम दे रहा हूं पेरिस ईश्वर। तो ऐसे प्रभुपाद हास्य करते हुए साथ ही गंभीरता दर्शाते हुए अपने भक्तों फिर श्री प्रभुपाद जी लंदन आए, जहां पे उन्होंने उनको एक इमरजेंसी फोन कॉल आया बॉम्बे से। गिरिराज महाराज उनसे विनंती कर रहे थे, आप जल्द से जल्द यहाँ आ जाइए और पर्सनली मिसेज एन से बात कीजिए और इस लैंड का सेटलमेंट कंप्लीट कीजिए। गिरिराज ने महाराज ने एक नए लॉयर से मिले थे, मिस्टर बखील, और उनको लग रहा था कि जो लॉयर बोल रहे थे, प्रभुपाद स्वयं यहाँ होने चाहिए ये सेटलमेंट कंप्लीट करने के लिए। और दूसरे एक इस्कॉन के लॉयर हैं मिस्टर चंदवाल, उन्होंने भी एडवाइस किया कि प्रभुपाद जल्द से बॉम्बे आ जाइए। इसलिए गिरिराज महाराज ने प्रभुपाद जी को फोन किया, बेगिंग हिम जल्दी से जल्दी आइए और सेटल कीजिए मिसिज एन एन के साथ ये मैटर वंस एंड फॉर ऑल। प्रभुपाद एग्री हो गए, बोले मैं लंदन में जन्माष्टमी तक रहूंगा, उसके बाद बॉम्बे वापस आऊंगा। सितंबर 15 1973 की बात है। व्हाट हैपेंड 1970 सितंबर, तो हम देख रहे हैं लंदन में आए, फिर उसके बाद पेरिस गए अगस्त में, फिर सितंबर की बात कर रहे हैं। प्रभुपाद मिसेस एन के सॉलिसिटर से मिले और उनका पूरा ऑफर समझा। पूरी सिचुएशन बहुत होपफुल, आशाजनक दिख रही थी, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन था। पब्लिक का इतना रिएक्शन होने की वजह से मिसेस एन थोड़ा सा सौम्य हो गई थी, बदल गई थी, क्योंकि उन्होंने जो मंदिर को तोड़ना की कोशिश किया था उसके लिए पब्लिक ने बहुत हैवी रिएक्शन दिया था। तो पॉइंट ये रखा गया कि अगर प्रभुपाद पूरा 12 लाख का जो बैलेंस रुपया है एक पेमेंट में दे देंगे, तो उन्होंने अपने लॉयर को बोला मिसेस एन ने कि मैं
पूर्ण रूप से तैयार हूं पूरा डील कंप्लीट करने के लिए। प्रभुपाद एग्री हो गए, लेकिन प्रभुपाद तब तक डोनेशन, तब तक पूरा धनराशि देने के लिए तैयार नहीं थे जब पूरा गारंटी नहीं मिल जाए कि मिसेस एन सीरियस हैं और अब के बाद कुछ समस्या नहीं होगी। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे कि मिसेज एन का गारंटी होना चाहिए ना। तो मिस्टर असनानी एक बॉम्बे के लॉयर और इस्कॉन लाइफ मेंबर रेगुलरली मेट विद मिसेज एन परसुएडिंग हर टू कोऑपरेट विद प्रभुपाद। हाँ, तो बॉम्बे के लॉयर और इस्कॉन वो रेगुलरली मिसेज एन से मिले और परसुएड करने लगे कि आप प्रभुपाद से कोऑपरेट कीजिए। और लॉयर्स वो भी देखिए, प्रभुपाद जी जब बॉम्बे में कुछ हफ्ते रहने के बाद भी मिसेज एन से कोई मीटिंग अरेंज हो ही नहीं रहा था, तो देखिए प्रभुपाद का जो डाउट करने का कारण था वो सही था। वो भी थोड़ा सा आशंका, वो मतलब शंका थी उनको, क्या ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ कि नहीं होगा। तो मिस्टर असनानी वेंट टू ब्रिंग मिसेज एन टू मीट श्री प्रभुपाद, लेकिन उसकी स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था। दिन प्रतिदिन मिस्टर अशनानी प्रभुपाद जी को बोलते, मिसिज एन कल आएंगी कल आएंगी। प्रभुपाद जी बहुत डिसअपॉइंट हो गए इस प्रोक्रेस्टिनेशन से। और ये सब देख के ही सेक्रेटरी टोल्ड मिस्टर अशनानी कि हम आप पे श्रद्धा रखते हैं, आप जो कह रहे हैं ठीक है चलो, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे खुद के लॉयर ये पूरा का पूरा मांगे ये डील क्लोज करने के लिए और कन्वेंस को एग्जीक्यूट। उस समय अपने दूसरे घर पे थी, वहां पे अभी अभी वो अपनी इलनेस से रिकवर हुई थी। तब मिस्टर असनानी वहां विजिट की और बोले, माता जी हमारे गुरु महाराज कल जा रहे हैं, अगर आप आज रात्रि को नहीं आएंगी तो ये लैंड की प्रॉब्लम और 1 साल चलती रहेगी। मिसेज जैन एग्री हो गई और रात के 9 बजे की बात है वो और मिसेस असनानी वहां पे आए मिस्टर बोगीलाल पटेल के घर पे, जहां श्री प्रभुपाद जी एक कीर्तन और भागवत डिस्कोर्स कर रहे थे। प्रभुपाद जी रूफ छत पे बैठे थे और लेक्चर के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, मतलब तैयार लेक्चर देने ही वाले थे। बट ये सुनते ही कि मिसेस एन आई हैं, उन्होंने मीटिंग को इंटरप्ट किया, नीचे आए कमरे में उनसे बात किया, थोड़ी देर बात किया, प्रभुपाद एक्सक्यूज हिमसेल्फ उसके बाद रूफ पे चल के, और मिडनाइट की बात है वो अपने रूम वापस आए अपने सर्वेंट और सेक्रेटरी के साथ। मिसेज एन तब भी वहाँ वेट कर रही थी और वो पूर्ण रूप से टूट गई आंसुओं में, रोती जा रही थी, भावुक हो गई, प्रभुपाद जी के चरणों में गिर गई और बोली, मुझे माफ़ कीजिए, मैंने जो सब आपके कठिनाइयाँ दी हैं, बहुत रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज़ फॉरगिव मी। और बोली, मैं वही करूंगी जैसा आप कहेंगे। अभी देखिए प्रभुपाद ने उनकी तरफ बहुत ही कंपैशनेटली देखा और उनके हृदय प्रभुपाद जी का हृदय में वो कुछ क्रोध नहीं रखते हैं। प्रभुपाद जी बोले, ऐसा यहां तक कि आपकी सारी जरूरतें मैं जिंदगी भर के लिए देखने को तैयार हूं। और प्रभुपाद जी बोले, मैं वो सब टर्म्स एक्सेप्ट करता हूं जो आपने प्रपोज किया है कि वो रिमेनिंग बैलेंस 12 लाख का पे कर दें, साथ ही साथ 50,000 रुपीज कंपेंसेशन डिले के लिए वो भी पे कर दें। प्रभुपाद जी एग्री हो गए और नवंबर 1 को शाम के 6:30 बजे प्रभुपाद जी अपने डेस्क पे बैठे थे, दो विंडो के बीच में जो उनका डेस्क था, अपने दीवार पे रेस्ट करते हुए, और मिसेस एन और उनके लॉयर्स, साथ ही साथ रजिस्ट्रार, साथ ही साथ मिस्टर असनानी, मिस्टर एंड मिसेस सेठी और 8 डिवोटी वहां पे प्रेजेंट थे। और पूरा रूम, इट वाज वेरी वार्म एंड स्टफी, बहुत सारे लोग बैठे हैं। मिसेस एन प्रभुपाद जी के राइट में बैठी थी, तभी रजिस्ट्रार सारे पेपर्स तैयार कर रहे थे साइन करने के लिए।
श्री प्रभुपाद जी बहुत ही गंभीर भाव में थे और रूम बिल्कुल साइलेंट था। केवल वो पेपर्स की साउंड आ रही थी कि पेपर उठा रहे हैं, साइन कर रहे हैं, पेन स्क्रैचिंग, बिल्कुल शांति थी। क्योंकि देखिए इतना बड़ा संघर्ष किया और अब उसका अंत में फल मिल रहा है। टोटल 20 मिनट लगभग लगे होंगे सब पेपर्स साइन करने में, कन्वेयंस पेपर्स। और प्रभुपाद ने फिर मिसेज एन को पेमेंट किया, उन्होंने कन्वेयंस साइन किया और वो लैंड लीगली फाइनली इस्कॉन की हो गई। बोलिए श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय। गिरिराज प्रभु, गिरिराज महाराज बताते हैं उस साइनिंग के समय काफी लोग बेताबपूरी देख रहे थे अच्छे से और बुरा क्राउडेड सा, और एवरीवन फेल्ट कि ये इस्कॉन का एक बहुत ही मोमेंटस मूवमेंट है। ऐसे लग रहा था टू ग्रेट वर्ल्ड पावर्स वर साइनिंग अ ट्रीटी। और जब मिसेज एन ने साइन किया, सब लोग साइलेंटली उन पेपर्स को देखे जो पेपर्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ पास हो रहे थे और वो रोने लगी। तमाल कृष्ण महाराज ने उनसे पूछा वो क्यों रो रही हैं। मिसेज एन ने रिप्लाई किया, उसी दिन मिस्टर मटार आए थे और उनको बताया था कि उनको एक बायर मिल गया है इस लैंड के लिए जो कहीं लाख रुपए ज्यादा दे रहा है, उस हमसे भी ज्यादा। और फिर जब हम सब मिसेज एन को देख रहे थे, ऐसा तमाल कृष्ण महाराज सब भक्त बता रहे हैं गिरिराज महाराज, कि जब हम मिसेज एन को देख रहे थे हम सोच रहे थे कि शायद उसको सारे इवेंट्स याद आ रहे होंगे, जो जो गलतियां उसने की हैं और उनके पति की मृत्यु हो गई और कैसे प्रभुपाद जी को इतना तकलीफ दिया है। बहुत ही इंटेंस था, ऐसे लग रहा था मंथ्स ऑफ स्ट्रगल के बाद राहत मिली है। तो इस प्रकार से कई भावनाएं मिक्स थी मिसेज एन के अंदर। तो श्री प्रभुपाद आज की डिवोटीज को इमिडिएटली न्यूज़पेपर को इन्फॉर्म करना चाहिए। और फिर जितने भी लोग उधर बैठे थे, प्रभुपाद ने बोला आइए आप सबके लिए एक फीस्ट आयोजन किया गया। दो जगह पे मैट्स रोल आउट की गई, भक्त लोग लीफ प्लेट्स आए, लीफ प्लेट सबके समक्ष रख दिया और भक्त लोग बहुत अच्छे अच्छे पकवान सब गेस्ट्स को सर्व करने लगे। प्रभुपाद वॉज स्टैंडिंग, प्रभुपाद बोले लेट अस स्टार्ट सर्विंग। वो पर्सनली सुपरवाइज कर रहे थे सर्विंग को और भक्त लोग काफ़ी कुछ बनाया था, राइस दाल, अनेक वैरायटी के पकोड़ा, पटेटो का, आलू का, गोभी का पकोड़ा, बैंगन का पकोड़ा, आलू का सब्जी, पापड़, बर्फी, ग्रेवी वाला गोभी का सब्जी, लड्डू, चमचम का स्वीट और सेवई का स्वीट, खीर बनाया, हलवा बनाया, एक नींबू का शरबत बनाया। बहुत ही फेस्टिव हैप्पी ओकेजन था। और इस सब के बाद बहुत सुंदर वर्णन किया है उस पूरे फेस्टिवल का। और उस हरे कृष्ण लैंड पे एक टेनेंट रहती थी मिसेस वॉरियर। तो भक्त वो बताती हैं, वो स्मरण करती हैं कि उस समय भक्त लोग जोर जोर से जय बोल रहे थे और सब लोग बहुत प्रसन्न थे। प्रभुपाद ने एक लेक्चर दिया बॉम्बे प्रोजेक्ट के ऊपर। उन्होंने एक आइडिया दिया कि किस प्रकार से ये पूरा मार्बल का मंदिर बनाया जाएगा। तो कुछ लोग पूछ रहे थे अरे इतना बड़ा मार्बल का मंदिर कैसे बनेगा, कहाँ से आएगा। प्रभुपाद बोले सब पॉसिबल है, सब हो जाएगा आसानी से। और पूरा प्रोजेक्ट वो विजुअलाइज कर रहे थे और एवरीवन वाज थ्रिल्ड। जिस प्रकार से प्रभुपाद इतना एक्साइटिंग रूप से उसको डिस्क्राइब कर रहे थे, सब बहुत थ्रिल हो रहे थे। पीपल वुड बी अट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर टू कम एंड सी इट। और बोले ये बॉम्बे में एक लैंडमार्क होगा। प्रभुपाद ने पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया जैसे वो पूरा स्पष्टता से देख रहे थे अपने मन में। और प्रभुपाद जी बोले यही नहीं, ये तो इतना अच्छा होगा जितना मैं अभी डिस्क्राइब भी नहीं कर पा रहा, फैंटास्टिक होगा। तो लेट इवनिंग फीस्ट हुआ, सब अपने अपने स्थान पे चले गए, प्रभुपाद अपने कमरे में आ गए और प्रभुपाद जी कमेंट करते हैं इट वॉज अ वेरी गुड फाइट। इस प्रकार से 1973 का थ्री का ईयर भी अंत हुआ। वृंदावन मार्च 1974 की कथा अभी सुनते हैं। श्री प्रभुपाद जी का पूरा ध्यान था कि वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर बनाना है, अभी उनका वो भी प्रोजेक्ट है। देखिए एक के बाद एक, ऐसा नहीं कि जीवन में एक प्रोजेक्ट हो गया बस हो गया, एक के बाद एक प्रोजेक्ट थे, इट्स अ मिशन। 1972 अप्रैल में उन्होंने अपने शिष्य
जो कि सुरभि जिनका नाम है, पहले उनका नाम हुआ हैंस किलमैन, जिन्होंने बॉम्बे के लिए प्लान्स तैयार किए थे, उन्होंने उनको बोला था ड्राइंग्स को एग्जीक्यूट करना इंडियन रेनेसेंस आर्किटेक्चर के आधार पे। प्रभुपाद जी को गोविंद जी का मंदिर बड़ा पसंद था, जो कि उनको उसका ओपन कोर्टयार्ड और बहुत सारे आर्चेस और फ्रंट स्टेप्स जहाँ जो डेटी दर्शन की तरफ जाते हैं, तो उसमें से कुछ आइडिया लेते हुए वो सुरभि प्रभु को बोल रहे थे कि आप वृंदावन के लिए भी कुछ प्लान बनाइए। और वृंदावन के एक आर्किटेक्ट की सहायता लीजिए, और इस प्रकार से उन्होंने एक अच्छा प्लान बनाया, प्रभुपाद ने अप्रूव किया और प्रभुपाद जी बोले ये वृंदावन का ग्रैंडेस्ट सबसे भव्य मंदिर होगा। दिल्ली के बहुत सारे हाई क्लास जेंटलमैन जो कि भक्त भी हैं, वो बहुत पसंद करेंगे वीकेंड पे आना, वृंदावन में रहना, और उनके लिए ये प्रोजेक्ट बिल्कुल वैकुंठ जैसा होगा। प्रभुपाद जी बोले कुछ बहुत ही भव्य और स्पेशल और वंडरफुल बनाना चाहिए आपको, नहीं तो अमेरिकन बॉयज के लिए ये डिसक्रेडिट होगा, लोग बोलेंगे अरे अमेरिकन होते हुए भी इतना मामूली सा बनाया। इस प्रकार से वृंदावन प्रोजेक्ट प्रभुपाद जी बोले हमारे इस्कॉन का सबसे महत्वपूर्ण तो रेगुलर प्रभुपाद जी से ईमेल, या ईमेल तो नहीं था उन्हें, मेल के द्वारा टच रखते थे, लेकिन किसी कारण से उनसे मैटर्स में कुछ तो निगलेक्ट हो गया था, जैसे कुआं खोदना और कुछ सिटी अप्रूवल प्राप्त करना, उन सब में कुछ गलतियां हो गई थी, और जो कि प्रभुपाद जी गलतियां मतलब निगलेक्ट हो गया, और प्रभुपाद जी बार बार बोल रहे थे उनको ऐसा करना। तो 1972 में प्रभुपाद ने लिखा, उसमें प्रभुपाद जी अपनी नाराजगी अपना क्रोध प्रस्तुत करते हैं और बोलते हैं बिगिनिंग से, शुरुआत से मैं बोल रहा हूं कि मेरी इच्छा है वृंदावन में मंदिर खोलने की, लेकिन पता नहीं आप लोग इतना डिले क्यों कर रहे हैं, व्हाई आर यू डिलेइंग इट। लेकिन चलो अभी मुझे सुरभि का प्लान बड़ा अच्छा लगा है। प्रभुपाद जी बोले वृंदावन में मंदिर खोलना कोई बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, बट लेकिन फिर बार बार देरी हो रही थी तो प्रभुपाद जी बहुत उतावले हो रहे थे और धैर्य खो रहे थे, क्योंकि वॉज बिकमिंग इम्पेशेंट कि ये शिष्य लोग इतना देर क्यों कर रहे हैं, वृंदावन तो बहुत आसान होना चाहिए। साथ ही साथ उनकी चिंता थी कि ये बहुत कॉस्टली ना बना दे मंदिर को। बोले जैसा प्लान अप्रूव किया है बिल्कुल वैसा ही आप पूरा कीजिए, अगर बिल्डिंग थोड़ा चीपर भी बन गया ओरिजिनल प्लान से चलेगा। उनकी साथ ही साथ चिंता थी कोई कॉम्पिटेंट डिसाइपल ये प्रोजेक्ट को ओवरसी करना चाहिए ताकि इस्कॉन को कोई चीट ना कर जाए। 1972 अप्रैल में ही प्रभुपाद ने रास की ड्यूटीज वृंदावन में कौन से होंगे, कृष्ण बलराम, कृष्ण ब्लैक बलराम व्हाइट, और बिल्कुल बोले जैसा बैक टू गॉड हेड मैगजीन में उन्होंने दिया है पोज, वो बड़ा अच्छा पोज है, और बोले उस लैंड के सामने एक साइन लगा ही दो, श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर। और प्रभुपाद जी ने एक कारण दिया था, उन्होंने कृष्ण बलराम को मुख्य विग्रह क्यों माना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कृष्ण बलराम, वृंदावन के ज्यादा से ज्यादा मंदिर राधा कृष्ण मंदिर है, इस्कॉन टेम्पल यूनिक रहेगा। और दूसरा कारण इस्कॉन की लैंड रमन रेती पे है, जहां पे भगवान कृष्ण और बलराम जी अपनी बाल्य लीलाओं का आनंद लेते थे 5,000 वर्ष। कृष्ण बलराम की बाल्य लीलाओं को सेलिब्रेट करने के लिए रमन रेती का जो लैंड है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त स्थान है। हजारों वर्ष निकल गए प्राकट्य हुए, जन्म हुए, लेकिन वृंदावन में प्रभुपाद जी बोलते हैं सेम एटमॉस्फेयर था उन दिनों में, वही मोर सब जगह दिखते थे और वही सिंपल वातावरण था, और बहुत सारे अनेक प्रकार के पक्षी और पैरट्स इत्यादि, बहुत ही सुंदर वन का वातावरण, बिल्कुल जैसे कृष्ण बलराम की लीलाओं में वर्णन किया है। भगवान कृष्ण बलराम का टेम्पल एस्टेब्लिश करने के लिए प्रभुपाद जी वॉन्टेड टू ऑफर वेरी ट्रांसेंडेंटल एटमॉस्फेयर ऑफ रमन रेती, विजिटर्स भी आए तो उनको भी उधर का वातावरण अच्छा लगे, दिल्ली से काफी लोग आएंगे, उनके शिष्य आएंगे।
और एक मेजर इंटरनेशनल ट्रैवल एजेंसी से प्रभुपाद जी को एक लेटर आया था जिसमें रिक्वेस्ट किया था कि वो टूरिस्ट के लिए इस्कॉन गेस्ट हाउस में एकोमोडेशंस प्रोवाइड करें। तो प्रभुपाद जी बोल रहे, देखो ऑलरेडी ऐसे ऑफर आ रहे हैं, लोग आएंगे, स्पिरिचुअल टूर जो होगा इंडिया का उसमें इसको एक महत्वपूर्ण स्थान रखा जाएगा। प्रभुपाद जी बोले, जो विदेश से लोग आते हैं अक्सर वो इंडिया में अनेक जगह पे उनको चीटिंग किया जाता है, हमें एक ऐसा ऑनेस्ट जगह चाहिए जहाँ प्रमाणिकता से आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाए, तो इस्कॉन का सेंटर बहुत महत्वपूर्ण होगा। प्रभुपाद ने लिखा, एक यूरोपियन प्रीचिंग सेंटर बनाया जाए और सारे टूरिस्ट और हिप्पीज जो वृंदावन में आते हैं उनका लिस्ट बनाया जाए, उनको अच्छा प्रसाद दिया जाए, उनको चैंटिंग करवाया जाए, मंदिर की सेवाओं में संलग्न किया जाए, हमारी पुस्तकें दी जाए पढ़ने के लिए, सारे फैसिलिटीज दो ताकि वो डिवोटी अच्छे से डिवोटी बन सके। ऐसा प्रभुपाद ने पूरा विजन दिया। जब 1972 कार्तिक में प्रभुपाद जी वृंदावन आए थे, उसके बाद एक साल तक वो वृंदावन नहीं गए थे, सिर्फ अपने लेटर्स के द्वारा वृंदावन के भक्तों को निर्देशन दे रहे थे। और कृष्णा कॉन्शियसनेस तो पूरे विश्व में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बड़ी तेजी से ग्रो हो रहा था, बहुत स्थान पे जाना था उनको, लेकिन हमेशा ध्यान था कि बॉम्बे, वृंदावन, मायापुर, उनका क्या हो रहा है। तो एक दिन मसाज लेते हुए प्रभुपाद जी अपने सर्वेंट को अपने हृदय की बात बताते हैं और बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा पुरुष इस उम्र में रिटायर होने की सोचते हैं, उसी प्रकार से मुझे भी इच्छा है कि मैं अभी और मैनेजमेंट ना करूं, मुझे केवल राइटिंग करना है। प्रभुपाद जी बोलने लगे, ऐसी कोई स्थान है जहां 6 महीने के लिए मैं जाऊं और शांति से बैठ के शास्त्रों का संकलन, राइटिंग इत्यादि करूं, जहां पे केवल अकेले हो, कोई उनको डिस्टर्ब ना करे, जहां पे कोई मेल उनको ना आए। प्रभुपाद के सर्वेंट ने बोला, हाँ तेहरान जा सकते हैं। प्रभुपाद ने बोला, ओके गुड आइडिया, थोड़ा विचार किया उसके बारे में, लेकिन फिर बोले न्यू वृंदावन। उन्होंने मोहनदास गांधी जी के बारे में बोला, हु कुड नॉट इवन स्लीप एट नाइट, क्योंकि लोग हमेशा उनके पीछे, उनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए, समस्याएं प्रस्तुत करने के लिए, इसलिए वो भी कुछ समय अकेले रहने के लिए गए थे। लेकिन उसी दिन भगवान प्रभु से पेरिस में, जो भगवान प्रभु थे उस समय, वहां से लेटर आया और उन्होंने प्रभुपाद जी को बोला, जल्द से आइए और इस्कॉन सेंटर जो यूरोप में है आपकी वेट कर रहे हैं आपके प्रचार के लिए, प्लीज कम ऑन ए प्रीचिंग टूर। और प्रभुपाद जी ने वो इन्विटेशन देते ही ऐसा एनलाइवन हो गए, प्रभुपाद ने अकेले जाके विश्राम, रिटायरमेंट का प्लान साइड में रख दिया और बोले मैं जाऊंगा। तो उनके सर्वेंट ने बोला, अरे कुछ समय पहले तो आज बोल रहे थे आप कि आप कहीं एकांत में जाना चाहते हैं। प्रभुपाद हंसने लगे, बोलते हैं, लगता है इस जीवन में मेरे लिए संभव नहीं होगा, इससे अच्छा तो यही है कि मैं बैटल फील्ड पे अपना कार्य करते हुए अपने प्राण त्याग दूं। बोले, फॉर ए वॉरियर इट इज ग्लोरियस टू डाई ऑन द बैटल फील्ड, इज इट नॉट? अपने शिष्य से बोलते, क्या लगता है, योद्धा के लिए युद्ध भूमि पे जीवन त्यागना एक ग्रेट कार्य नहीं है? इज इट नॉट वेरी ग्लोरियस? तो इस प्रकार से प्रभुपाद, एक और प्रसंग आता है, गुरुदास प्रभु ने एक लेटर सारे इस्कॉन सेंटर्स को लिखा था इनवाइट करते हुए कि आइए, कृष्ण बलराम मंदिर का ओपनिंग होने वाला है। उन्होंने बॉम्बे के लाइफ मेंबर्स को बुला लिया था, कलकत्ता के लाइफ मेंबर्स को बुला लिया था, कर दी थी, और प्रभुपाद भी अपने शिष्यों को बुला रहे थे वृंदावन आइए जन्माष्टमी पे। लॉस एंजलिस में हंड्रेड्स ऑफ डिवोटीज बैठे थे, उनके सामने लेक्चर करते हुए प्रभुपाद जी बोलते हैं, आई इनवाइट ऑल ऑफ यू टू कम टू वृंदावन कृष्ण बलराम मंदिर की ओपनिंग के लिए। प्रभुपाद ने अपने गॉड ब्रदर्स को भी इन्विटेशन भेज दिया था, और उनमें से जब एक गॉड ब्रदर ने इन्विटेशन एक्सेप्ट किया, श्री प्रभुपाद ने बोला कि आप आइए, मैं आपको अच्छे से एकोमोडेशन दूंगा, और इजिएस्ट वे कलकत्ता से वृंदावन आने का क्या है वो भी प्रभुपाद जी ने उनको समझाया। अभी जुलाई 15 की बात है, केवल 10 दिन प्रभुपाद जी के अराइवल से पहले, 10 दिन पहले उन्होंने ऐसे ही कई सारे लेटर्स अपने सन्यासी डिसाइपल्स को लिखे कि आप सब आइए और हम लोग यहाँ मिलके बहुत सारे गुरु
गुरुदास ने तो बोल दिया कि सब आ सकते हैं, लेकिन गुरुदास प्रभु को छोड़ के वृंदावन के किसी भी भक्त को इस बात पे पूर्ण श्रद्धा नहीं थी, विश्वास नहीं था कि हम लोग इतने के लिए तैयार है। उनको मालूम था ग्राउंड लेवल रियलिटी क्या है, कार्य बहुत धीरे धीरे चल रहा था। एक्सेप्ट फॉर द डेटी हॉल एरिया, रेडी हॉल एरिया थोड़ा रेडी था, बाकी सब तो केवल एक कंस्ट्रक्शन साइट था। कोई ऑल्टर्स नहीं था, कोई डीटीज नहीं थे। तेजस प्रभु सोचते हैं कि गुरुदास प्रभु इतने डरे हुए थे कि प्रभुपाद को डिसप्लीस नहीं करना, इसलिए गुरुदास प्रभु तैयार करने स्वीकार करने को तैयार ही नहीं थे कि हम लोग अभी रेडी नहीं हैं। डेट डिक्लेयर कर दिया गया किस दिन ओपनिंग होगा, और प्रभुपा जी कोई एक्सक्यूज नहीं चाहते, बोले जन्माष्टमी तक ये होना ही चाहिए, कोई डिले का कारण ही नहीं। फाइनली गुरुदास एडमिटेड कि ये तो टेंपल कंस्ट्रक्शन जन्माष्टमी तक पूरा नहीं होगा, लेकिन गुरुदास सोच रहे थे ठीक है ओपनिंग सेरेमनी तो कर सकते हैं, अगर फाइनल टचेस नहीं हुए टेंपल पे तो बाद में कर लेंगे। लेकिन उस समय कोई जीबीसी सेक्रेटरी नहीं था इंडिया का, प्रभुपाद को एक्यूरेट रिपोर्ट्स नहीं मिला वृंदावन टेम्पल का, और काफी महीनों पहले तमाल कृष्ण महाराज ने अपना जीबीसी सेक्रेटरी इंडिया पोजीशन छोड़ दिया था क्योंकि उनको पाश्चात्य देश में प्रचार की सेवा थी, और 3 महीने का गैप लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद करंधर प्रभु भी रिजाइन कर रहे थे। तो गुरुदास प्रभु का वर्जन केवल वही वर्जन था जो प्रभुपाद जी को मालूम था कि ठीक है ओपनिंग सेरेमनी तो कर सकते हैं, और जुलाई का अंत बिल्कुल नजदीक आ रहा था और सारे भक्त वृंदावन को लिए जो तैयारी कर रहे थे ट्रैवल करने के लिए, वो एक बड़ा फियास्को होने वाला था। अगस्त 4, 1974 वृंदावन की बात है, जब प्रभुपाद जी की गाड़ी इस्कॉन प्रॉपर्टी के पास आई रमन रेती में, एक भक्तों का समूह बड़े उत्साह से कीर्तन करते हुए प्रभुपा जी का स्वागत किया। 25 डिवोटीज फ्रॉम टेम्पल्स अराउंड द वर्ल्ड वहां पे गैदर हुए ग्रैंड ओपनिंग सेलिब्रेशन के लिए, और वृंदावन डिवोटीज के साथ वो बड़े अच्छे से प्रभुपाद के आसपास क्राउड कर लिए उनसे मिलने के लिए। फिर उन्होंने देखा कोई फॉर्मल वॉकवेज भी कंस्ट्रक्ट नहीं हुए हैं, प्रभुपाद हाफ कंस्ट्रक्टेड वॉल से वॉक करते हुए, बाजू में बहुत सारा रेती का और ब्रिक्स का पाइल पड़ा है, कैसे तो डेटी हाउस तक पहुंचे, और वहां पे भी लैक ऑफ ऑर्नामेंटेशन फिनिशिंग रबल पूरा दिस, जैसे वो कंस्ट्रक्शन साइट का टूर कर रहे थे। प्रभुपा जी देख के आश्चर्यचकित रह गए, यहाँ तो बहुत काम बाकी है, बोले यहाँ तो कुछ है ही नहीं, मंदिर किधर है, आपने बोला था मंदिर पूरा हो गया है। गुरुदास सुरभि गुणार्णव किसी के पास कुछ उत्तर देने के लिए ताहीन था ही नहीं, मानो सब बिल्कुल घबरा से गए, देयर फेसेस टर्न एब्सोल्युटली वाइट। प्रभुपाद बहुत क्रोध में थे, आप इसे खोल कैसे सकते हैं, और विजिटिंग डिवोटीज दे ऑल्सो स्टार्टेड स्पीकिंग अमंग्स देमसेल्व्स, ये तो रेडी नहीं है, हम ओपन कैसे कर सकते हैं, और लोग धीरे धीरे आ रहे थे, अलग अलग दिशाओं से आ रहे थे। तो एक डिवोटी बोले लेकिन प्रभुपाद भक्त तो पूरे विश्व से आ रहे हैं, अभी क्या करें। प्रभुपाद जी बोले स्टॉप देम इमीडिएटली, कोई ओपनिंग नहीं होगा। प्रभुपाद ने जो इतना बड़ा बबल बना था वृंदावन ओपनिंग का वो पूरा बर्स्ट कर दिया, लोग भ्रम में थे कि बड़ा ग्रैंड ओपनिंग होने वाला है, कुछ होने वाला नहीं था। प्रभुपाद जी बहुत क्रोध में थे उस समय, और उस समय जो भक्त उस समय प्रभुपाद जी के आसपास थे जो कि बहुत केयर फ्री और जॉयफुल थे, सब चिंताग्रस्त हो गए। रूपा जी बोले आप तो ये मंदिर खोलने वाले थे, हरिकेश बोले लेकिन ऑल्टर इज रेडी, वो जापान से आए थे अटेंड करने के लिए, बोले वी कैन इंस्टॉल द डेटी देयर। रूपा जी बोले नो यू कैन नॉट ओपन द टेम्पल, ये टेम्पल कंप्लीट नहीं है। रूपा देन वॉक्ड इन टू हिज हाउस, साथ में उनके वृंदावन मैनेजर और कुछ लीडर आए, और कुछ लोग तो जान के ही प्रभुपाद से डिस्टेंस रखे, उनको मालूम था प्रभुपाद जी बहुत क्रोध में। और सुरभि प्रभु की जो वाइफ है वो तो सीधा भगवान कृष्ण के पास प्रे करने के लिए गई, अरे प्रभुपाद जी बहुत नाराज हो गए, हमारी सहायता करो। इस प्रकार से शी रैन टू प्रे टू कृष्ण, क्योंकि देखिए चिंता की बात तो है, पूरे विश्व से लोगों को बुला लिया, बहुत इन्फ्लुएंशियल लोगों को बुला लिया, यहाँ कुछ भी रेडी नहीं है।
और प्रभुपाद का क्रोध उनके कमरे में बढ़ता ही जा रहा था। उन्होंने गुरुदास पे बहुत चिल्लाए, मिसमैनेजमेंट के लिए सुरभि पे चिल्लाए, सब पे चिल्लाए, और किसी के पास हिम्मत नहीं होती अभी कुछ सजेशन या कुछ एक्सक्यूज दे सके। उनका चेहरा बिल्कुल मानो सारा रंग उड़ गया हो चेहरे का, बहुत डिप्रेस थे। फिर प्रभुपा जी सडनली बोले, चलो ठीक है, अभी जो मैस हो गया क्या मंदिर खोल सकते हैं? वेदर द टेम्पल कुड बी ओपन, कम से कम डेटी रूम्स तैयार कर सकते हैं क्या? सुरभि की तरफ बोले, बोले ये हमारी सोसाइटी का इंसल्ट है, लोग क्या सोचेंगे, हमने सब जगह अनाउंस कर दिया है एंड नोबडी एक्चुअली नोज अबाउट द रियलिटी। और सुरभि समझ गए अभी ईमानदारी से सब बोल देना चाहिए, नहीं तो और एक ब्लास्ट मिलेगा। तो एक्चुअली नो, सुरभि बोले कि नो वन एक्चुअली नोज अबाउट दिस। श्री प्रभुपाद आप बोल रहे हैं इंसल्ट होगा ना, तो लेकिन अभी किसी को मालूम ही नहीं है। ये सुन के प्रभुपाद जी और क्रोधित हो गए, आपने कोई इनविटेशन नहीं भेजा है, आप बोल रहे हैं किसी को मालूम नहीं, अभी तक तो इनविटेशन चले जाने चाहिए थे। तो वो बोले नहीं, एक्चुअली वृंदावन के लोगों को तो हमने कोई इनविटेशन नहीं भेजा, तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि ओपन होने वाला, क्योंकि जो लोग यहां वृंदावन में रहते हैं वो सब देख रहे हैं कि क्या स्थिति है, दे नो इट्स नॉट रेडी। प्रभुपा जी बोले इट्स अ फियास्को, डिस्गस्टेड। प्रभुपा जी वृंदावन मैनेजर्स की तरफ देखे, बोले हमें खोलना है, जन्माष्टमी पे कैसे खोल सकते हैं ये बताओ, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। सुरभि प्रभु सेड, श्री प्रभुपाद अभी तो डोर्स भी रेडी नहीं है, अभी तो लकड़ी काट रहे हैं। तो प्रभुपाद ने यमुना माता से, माता जी से डेटिस के बारे में पूछा, तो यमुना माता जी बोली सब पैराफर्नेलिया तो खरीद लिया है लेकिन अभी सिंहासन रेडी नहीं है। उन्होंने यमुना माता जी से पूछा आपका ओपिनियन क्या है, यमुना माता जी बोली मैं तो पूर्ण रूप से अयोग्य हूं कुछ भी बोलने के लिए, मेरे पास कोई राइट्स तो नहीं है बोलने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इस समय मंदिर खोलना, कोई पुजारी भी नहीं है इधर। तो इस प्रकार से प्रभुपाद फाइनली फेलियर अनुभव करते हुए ही सेड ठीक है फिर हम नहीं करेंगे। बोले लेकिन हमने बहुत सारे लोग को इनवाइट किया है एंड आई वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड दिस, नाउ यू डिसाइड क्या करना है। प्रभुपाद ने बोले ठीक, कब खोल सकते हैं? दिवाली पे खोल सकते हैं, देखिए अभी जन्माष्टमी है, दिवाली मतलब जन्माष्टमी से 2 महीना दूर। बोले अक्टूबर में खोल सकते हैं। तो सबने पूछा अक्टूबर? श्री प्रभुपाद अक्टूबर यू आर सेइंग? तो वो बोले ठीक है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपियरेंस डे वो कैसा रहेगा? एक डिवोटी ने बोला वो दिसंबर के एंड में है। प्रभुपाद साइलेंट थे, अभी भी डिसप्लीज थे, बोले इतना देर लगा रहा है। सुरभि भी बोले, बोले कम से कम 6 या 7 महीना लगेगा, लेट्स बी वेरी रियल। फिर प्रभुपाद ने बोला ठीक है रामनवमी अप्रैल में, और उसके बाद उस समय ऐसे भी लोग इंडिया आते हैं, एनुअल गैदरिंग होगा भक्तों का मायापुर में वृंदावन में, तो रामनवमी अप्रैल में अच्छा समय रहेगा। तो इस प्रकार से चर्चा हुई। अरे प्रभुपाद जी का क्रोध ऐसा, भक्तों के प्रति कोई परमानेंट क्रोध नहीं था, वो तो इंसिडेंटल क्रोध था, क्योंकि उन्होंने कुछ गलती की थी, कुछ मूर्खता की थी, उसके लिए डांट रहे थे। और इसी प्रकार से वो उनको प्रशिक्षण भी दे रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे, उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे थे, उनको साथ ही साथ टेस्ट कर रहे थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा केवल ये भक्तों को ट्रेनिंग का एक माध्यम नहीं था, अंदर कहीं ना कहीं प्रभुपाद को डीप इम्पेशेंस और फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, क्योंकि उनकी वृंदावन की जो सेवा है वो स्फुरित नहीं हो पा रही, वो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही, वो कृष्ण भावनामृत की ग्लोरी को स्प्रेड करने के लिए एक सुंदर भव्य मंदिर चाहते थे और वो प्रकट नहीं हो रहा है। इसलिए ये एक दिव्य स्तर का भक्ति का क्रोध था, वो उनके गुरु के प्रति एक ऑफरिंग करना चाहते थे और उन्होंने कृष्ण को प्रॉमिस किया था लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो रहा था। सो प्रभुपाद डिसाइपल्स फेलियर टू डू द जॉब, प्रभुपाद हैड टू टेक द बर्डन। एग्नी, इतना पेन था कि फेल हो गए, और वो डिसाइपल्स कृष्ण सेवा में प्रभुपाद के इंस्ट्रूमेंट
इस प्रकार से इस इच्छा को पूर्ण ना करना प्रभुपाद के लिए बहुत सफरिंग का कारण था। और इस प्रकार से जन्माष्टमी के दिन प्रभुपाद फेल्ट द ट्रांसेंडेंटल लेमेंटेशन ऑन इज फेलियर टू ओपन कृष्ण बलराम मंदिर। और प्रभुपाद जी का डिस्टर्बेंस था तो ट्रांसेंडेंटल, लेकिन रियल था। ऐसा नहीं कि वो कुछ एक ड्रामा सा कर रहे हैं केवल इंस्ट्रक्ट करने के लिए। इट वॉज रियल, ही फेल्ट एंग्री। और ऐसा नहीं कि प्रभुपाद के शिष्य भी उनको आसानी से चीयर अप कर सकते हैं। इट वॉज नॉट ईजी। प्रभुपाद के शिष्यों को उनको अच्छे से असिस्ट करने के लिए प्रभुपाद का ट्रांसेंडेंटल मूड समझना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली उनको सर्व करेंगे। प्रभुपाद प्रैक्टिकल डाउन टू अर्थ सर्विसेज चाहते थे। ऐसा नहीं कि कुछ हवा में, कुछ भावनात्मक स्तर पे कुछ सेवा कर रहे हैं। प्रैक्टिकल प्रॉपर सेवाएं चाहते थे, कुछ सेंटिमेंटल अप्रोच नहीं चाहते थे। हार्ड वर्क, प्रभुपाद जी बार बार बोलते हैं डिवोशन सर्विस इज वेरी डायनामिक प्रैक्टिकल सर्विस। प्रभुपाद चाहते थे कि उनके शिष्य उनको अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती की सेवा में उनको असिस्ट करें, इससे दुनिया को कहीं पीड़ाओं से बचा सकते हैं। सीमेंट प्राप्त करना भी एक बड़ा समस्या था। सुरभि गुणार्णव तेजस बाकी सब हमेशा मेडिटेट कर रहे थे, सीमेंट कहां से लाए? और उस समय इतना मुश्किल था, पूरे भारत में सीमेंट ढंग से नहीं मिल रहा था, गवर्नमेंट परमिशन नहीं मिल रहा था। और जिस दिन से प्रभुपाद वृंदावन में आए थे टेंपल ओपनिंग के लिए, भक्त लोग बस से, रिक्शा से बार बार मथुरा जा रहे हैं कि अगर कुछ बैग सीमेंट में मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए, दे कुड सर्व प्रभुपाद। कभी कभी वो चीटिंग होता उनके साथ, 20 बैग्स का एक शिपमेंट, इट वॉज कट विद अदर मटीरियल्स, वो मिलावट होती उसमें। और जब उसे वो एक कॉलम कास्ट करने के लिए यूज करते, 4 दिन तक वो सॉफ्ट रहता और फिर क्रम्बल हो जाता। और जब इनफ सीमेंट अराइव भी होता पूरा वर्क कंप्लीट करने के लिए, तो भक्तों को मालूम था प्रभुपाद की इच्छा है इसलिए कुछ काम ढंग से चल रहा है, नहीं तो हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे। प्रभुपाद जी पर्सनली सुपरवाइज करते गुनारनव, एक एक सीमेंट के बैग को काउंट करे जब वो अराइव। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे तक शिपमेंट कैप कमिंग ऑन ट्रक्स, हर ट्रक विथ 4 कुलीज को हैवी बैग्स को अपनी बैक पे उठा के स्टोरेज शेड तक ले जाना। गुनारनव पूरा दिन पैड और पेन के साथ वहां खड़े रहते, हर एक बैग का रिसिट बनाते। श्री प्रभुपाद अपने कमरे से बाहर कहीं बार आते और देखते कि सब काम अच्छे से चल रहा है। और इवनिंग में जब वो पूरा काम पूरा करते, वो गुनारनव को अंदर बुलाते और पूछते तो कितने बैग आए, और गुनारनव एग्जैक्ट, प्रभुपाद पूछते तो गुनारनव एग्जैक्ट फिगर देते। प्रभुपाद फिर पूछते सब कुछ अच्छे से लॉक किया है, बोलते यस श्री प्रभुपाद। प्रभुपाद जी तो सीमेंट के बारे में ऐसे बात कर रहे थे जैसे कोई गोल्ड का शिपमेंट आया हो, इतना प्रभुपाद, क्योंकि मालूम था ये भगवान की सेवा का बहुमूल्य वस्तु है। और 1975 की फरवरी और मार्च में प्रभुपाद जी बहुत एक्सटेंसिव टूर किए, टोक्यो, हवाई, लॉस एंजलिस। और वो ट्रैवल करते हुए उनको गवर्नर रेड्डी से एक मैसेज मिला कि वो भी वृंदावन टेम्पल ओपनिंग में रमन रेती पे आएंगे। और उनको सुरभि से भी एनकरेजिंग रिपोर्ट मिला कि टेम्पल ओपनिंग का समय नज़दीक आ रहा है और जरूर इस बार कार्य होगा। तो प्रभुपाद जी ने भी रिप्लाई दिया कि मुझे बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है कि आप कार्य जल्द ही पूरा करेंगे, दिस इज व्हाट आई वांट। और फिर प्रभुपाद जी जब मैक्सिको सिटी, मैक्सिको, कैरेकस, वेनेजुएला ट्रैवल किए, ट्रैवल करते हुए फिर मियामी गए, अटलांटा गए, डेलास गए, न्यूयॉर्क गए, ये सब इंडिया से निकलने के 1 महीने के बाद ही इतना सब ट्रैवल हो गया। फिर लंदन गए, फिर तेहरान गए, और फिर वापस मार्च 16 को वो इंडिया आए। ये प्रभुपाद जी का 8th ट्रिप पूरे विश्व का कंप्लीट हुआ 10 सालों में। 8 ट्रिप 1975 में पहली बार अमेरिका निकले थे, अभी मायापुर मार्च 23, 1975 को क्या लीला हुई उसके बारे में हम अपनी अगली कथा में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।